तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इसने राजनीतिक पारा भी चढ़ा दिया है। ऐसा क्या है इस वीडियो में? वीडियो में दरअसल एक टीचर है जो कि अल्पसंख्यक समाज के एक बच्चे को उसी के क्लासमेट से पिटवाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, तमाम बड़े नेताओं ने इस वीडियो को लेकर अपने रिएक्शन दिए हैं और इस पर कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो मुजफ्फरनगर के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के कहने पर एक मुस्लिम समुदाय के बच्चे की उसी के क्लासमेट से पिटवाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक तौर पर इसे लेकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है, मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य है, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी है। इसके अलावा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट्स किए, जिसमें से एक ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, पिता का मानना है कि उन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है और उन्हें डर है कि माहौल खराब हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ, जो अपराध करेगा उसको ठोक दिया जाएगा, ये आपकी नीति है ना? तो अब ऐसा क्यों है कि पुलिस इस टीचर को जाने दे रही है? अगले ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, इस बच्चे के साथ जो हुआ है उसके जिम्मेदार सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी नफरती सोच है। इस मुजरिम को शायद आप लखनऊ बुलवाकर पुरस्कार से नवाजेंगे। पुलिस का काम है कि किशोर न्याय 2015 कानून के दफा 75 के तहत सख्त कार्रवाई करे। वहीं कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसा क्लासरूम, कैसा समाज देना चाहते हैं, जहां चांद पर जाने की तकनीक की बातें हो या नफरत की चार दीवारी खड़ी करने वाली बातें। विकल्प एकदम स्पष्ट है, नफरत तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। हमें एकजुट होकर इस नफरत के खिलाफ बोलना होगा, अपने देश के लिए, तरक्की के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। वही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, मुजफ्फरनगर के एक वायरल वीडियो में एक टीचर एक अल्पसंख्यक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवा रही है। इसमें वो दोहरे अपराध की दोषी है क्योंकि वो पिटवा भी रही है और दूसरे बच्चों को हिंसक भी बना रही है। भाजपा सरकार ये वीडियो G20 की मीटिंग में दिखाकर साबित करे कि उनका नफरती एजेंडा किस प्रकार सही है। ऐसी टीचर शिक्षक समाज पर धब्बा है। पूरे देश के शिक्षकों को उस टीचर को दंडित करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। इसके अलावा जयंत चौधरी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मुजफ्फरनगर स्कूल का वीडियो एक दर्दनाक चेतावनी है कि कैसे गहरी जड़ें जमा चुके धार्मिक विभाजन हाशिए पर पड़े अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा को भड़का सकते हैं। मुजफ्फरनगर के हमारे विधायक ये सुनिश्चित करेंगे कि यूपी पुलिस स्वतः मामला दर्ज करे और बच्चे की शिक्षा बाधित ना हो। ये तो विपक्ष के रिएक्शन थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आया है। वरुण गांधी ने ट्वीट करके इस मामले पे क्या कहा है बताते हैं। उन्होंने लिखा है, ज्ञान के मंदिर में एक बच्चे के प्रति घृणा भाव ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया। शिक्षक वो माली है जो प्राथमिक संस्कारों में ज्ञान रूपी खाद डालकर व्यक्तित्व ही नहीं राष्ट्र गढ़ता है। इसलिए दूषित राजनीति से परे एक शिक्षक से उम्मीद कहीं अधिक है, देश के भविष्य का सवाल है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक वीडियो जारी किया, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मुजफ्फरनगर का वीडियो है और उसको देखकर मेरा दिमाग कौंद गया और वाकई में मुझे बहुत गुस्सा आया। दुख अपनी जगह लेकिन गुस्सा बहुत आया क्योंकि उस वीडियो में नेहा स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा, उसकी टीचर जिसका नाम तृप्ति त्यागी है, एक 8 साल के बच्चे को अपने ही क्लास में खड़ा करके उसी के सहपाठियों से उकसा उकसा के थप्पड़ पिटवा रही है और कह भी रही है जोर से मारो ये मोहम्मदन है। क्या कसूर है उस बच्चे का? छोटी छोटी बच्चियों से पिटवाया, कभी सोचा है आपने उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी? कभी सोचा है कि उस बच्चे की मनोस्थिति क्या होगी? वो कितना बेबस, कितना मायूस, कितना कमतर, कितना छोटा महसूस कर रहा होगा अपने आप को, कितनी शर्मिंदगी से वो भर गया होगा। और क्या उसके इस घाव पर आप मरहम भी लगा पाएंगे? क्या उसकी ये मनोस्थिति आप चेंज कर पाएंगे? आज सवाल इस बात का है।
आज सवाल इस बात का है कि जिस टीचर पर भरोसा करके मां बाप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं वो हैवान क्यों बन जाती है? किस हक, किसने हक दिया उस टीचर को यह कहने का कि यह मोहम्मडन है और इस बच्चे को मारो? और वो 8 साल का बच्चा खड़ा होकर रोता रहा। उस वीडियो को देख के मुझे गुस्सा इसलिए आता है, मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि वो बच्चा किसी का भी हो सकता है, उसकी क्या गलती है? ये धर्मांधता, ये हिंसा, ये जहर कहां तक फैल गया है कभी सोचा है आप लोगों ने? हैवान बनते जा रहे हैं लोग। जो जिन स्कूलों में सहपाठियों को एक साथ मिलना जुलना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, चहकना चाहिए, वहां पर एक अकेले लड़के को खड़ा करके इसलिए मारा जा रहा है, मरवाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। बच्चे का पिता कहता है मैं कोर्ट कचहरी नहीं कर सकता, मैं इस केस में FIR नहीं करूंगा, लेकिन स्वतः संज्ञान लेकर FIR होनी चाहिए। और मैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे जरूर यह कहती हूं, आप सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आप उस 8 साल के बच्चे के भी मुख्यमंत्री हैं। एक नजीर बनाइए, क्योंकि ऐसी दरिंदी औरत की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। और एक सबक सीखना चाहिए लोगों को कि आप बच्चों के साथ, अबोध बच्चों के साथ ये हैवानियत नहीं कर सकते हैं। यह भी शोषण है, यह हर तरह के शोषण से बदतर शोषण है, जहां पर बच्चा असहाय होकर पिटता रहा। शर्म आनी चाहिए। और ऐसी तृप्ति त्यागी की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में। मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि धर्मांधता में तो आप झोंके जा रहे हैं, लेकिन जो नेता आपको झोंक रहे हैं इस धर्मांधता में, उनके बच्चे हाथ में गुप्ती पिस्तौल तलवार लेके नहीं घूम रहे, उनके बच्चे किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, हो सकता है पैराशूट से विधायक और मंत्री भी बन गए हो। तो सोचिए आप अपने बच्चों को क्या हैवान बना रहे हैं। और ये जो अध्यापक अपने बच्चों को हैवान बनाते हैं, उनकी जगह सभ्य समाज में नहीं है। तृप्ति त्यागी को जेल होनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगना पर्याप्त नहीं है, ये गलती नहीं है, ये गुनाह है। अब आपको बताते हैं कि इस मामले को लेकर पुलिस क्या कह रही है, पुलिस क्या कार्रवाई करने की बात कर रही है। कल आप सब लोग जानते हैं कि नेहा पब्लिक स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल है कब्बूपुर गांव का, थाना मंसूरपुर के अंतर्गत, कल शाम से वीडियो वायरल हो रहा है। इसके संबंध में इंक्वायरी की गई। इसमें इंक्वायरी में ये सामने आई कि जो नेहा पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल है, और जो वीडियो करके वीडियो वायरल किया गया, उनको उनका बच्चे का चचेरे भाई है। तो इसके बाद उनसे जो माता पिता है, जब उनसे प्रशासन द्वारा अप्रोच किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, तो उन्होंने FIR करने के लिए थेरिर देने के लिए एग्री नहीं किए। तो फिर सुबह जो डेवलपमेंट हुआ कि सुबह उन्होंने थाने में तहरीर दे दी गई और तहरीर दर्ज भी हो गया है, ये सूचना देनी थी। इसके अतिरिक्त बाल कल्याण समिति होती है जिले में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, तो उसके तहत कमेटी द्वारा उनकी बच्चों को और उनके माता पिताओं को, स्पेशली बच्चों को, उनको काउंसलिंग किया गया है और काउंसलिंग चल रही है ताकि बच्चों को इन पर कोई ये ना हो। और इसमें जो क्योंकि तहरीर दर्ज हो गई, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी एंड बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अलग से भी कार्रवाई चल रही है। इसमें जो तहरीर दिया गया, सारे जो तहरीर दिया गया था उनकी उनकी माता पिता द्वारा, वो सारी तहरीर दर्ज कर ली गई। मौके पे देखिए, इसमें शांति व्यवस्था बनाने रखने के लिए जो अधिकारी वो लगे हुए, एंड इसके अतिरिक्त ये भी कहना है कि JJ एक्ट के अंतर्गत बच्चे का नाम और उनका ये करना, रिवील करना मना है, क्योंकि इसमें उनके बच्चे की मानसिकता पे पड़ती है। सभी से अनुरोध है कि इसकी एक्ट का गरिमा में ही रहे, एंड आप सभी एंड जो बाल कल्याण समिति द्वारा इसको काउंसलिंग करके आगे कार्रवाई कर चल रही है। कोई मुजफ्फरनगर वासी कोई किस तरह की अपील सर? सभी से मुजफ्फरनगर वासी से यही अपील है कि इसमें शांति व्यवस्था बना रहे, एंड इस पर आगे धैर्य दर्ज होगी, आगे कानूनी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।